हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिंग। मैं हूं पूजा मेहता और आज हम यहां पर पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज, जिसमें मैं आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूं। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता चुकी हूं। आपके एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नियर हैं, पूरा सिलेबस पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो यदि हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर अच्छे से ध्यान दे देते हैं तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिलेबस, मतलब आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्या क्या पूछा जाना है, मतलब सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। ये देखो, ये सिलेबस है बिजनेस स्टडीज का, यूनिट पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के जितने भी ये चैप्टर्स हैं इनके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो बना चुकी हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में देख लेना। जो पार्ट बी है उसमें 9th, 10th ये चैप्टर्स के भी वीडियो बना चुकी हूँ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इससे मार्केटिंग मैनेजमेंट से एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन से, इन दोनों चैप्टर से मिलाकर टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर से 7 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन पूछ लें 6 मार्क का, या तो हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछ लें 1 मार्क्स के, या 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टोटल इस चैप्टर से 7 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये इसका सिलेबस है, इसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है। जो आपका पूरा सिलेबस है उसमें पूरा मार्केटिंग से रिलेटेड इसके कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड फिलोसफीज पूछी जाने वाली हैं। मार्केटिंग मिक्स के कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट पूछेंगे, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है, प्राइस के कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस इसको पूछा जाएगा, एंड इसके बाद लास्ट में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को पूछा जाने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक छोटे छोटे से इंक्लूडेड है। तो क्या हम सभी टॉपिक्स पढ़ें, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ध्यान से मेरे साथ समझते जाइए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने की नीड है। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा जाने वाला है इसमें, सबसे पहले पूछे जाने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है कि आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद मार्केटिंग के फीचर। ठीक है, फीचर के आप चाहें तो 5 पॉइंट पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा 5 पॉइंट्स, थोड़े से बेसिक पॉइंट्स जिसे आप याद कर सकें। इसमें इंपॉर्टेंट यदि कुछ है, यदि इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। देखिए 2013, 14, 15, 19 इन चारों सालों में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमसीक्यू में तो लास्ट 2 सालों में भी पूछे गए हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड अभी चालू हुए हैं उसमें भी पूछे गए हैं। तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग के सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद कर लेना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 पॉइंट्स से याद किए, सभी पॉइंट्स, क्योंकि हो सकता है कि आपसे वो उसके पॉइंट से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए या केस बेस्ड बनाकर कुछ पूछ लिया जाए। तो इसके सभी पॉइंट्स को आपको पढ़ लेना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप नहीं करना है। कि आप ये सोचें कि हम इसे स्किप कर दें तो इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रोल ऑफ मार्केटिंग, इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट आएगा। जो मार्केटिंग के आपने फीचर्स देख लिए, रोल ऑफ मार्केटिंग देख लिया है ना, ठीक है ना। अब इसमें आगे क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है इसे भी देख लेना। डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, इसको भी पढ़ लेना। अब इसमें यदि कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि इनको देख लेना, यदि स्किप करना चाहो तो कर भी सकते हो। ये टॉपिक से रिलेटेड बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यदि पूछा गया है तो ये फिलोसफीज, कॉन्सेप्ट एंड फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जो सारे फिलोसफीज या कॉन्सेप्ट हैं इनको बहुत अच्छे से डिटेल में इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेना, कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केटिंग एंड सोशियोटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है ना, इनको अच्छे से समझ लेना। क्योंकि देखो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 चीज़ें दी हुई हैं, इससे रिलेटेड कोई केस बनाकर आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये इन्होंने केस पूरा, आप में पॉज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इस केस को पूरा पढ़ने के बाद आपसे क्या पूछा गया है,
आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फिलॉसफी फॉलोड बाय द JTM लिमिटेड. JTM लिमिटेड का पूरा केस बताया गया है और बोला गया है कि आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सी फिलॉसफी है, मतलब ये कौन सा इन चार पांच में से कौन सा कॉन्सेप्ट है. तो यदि आपके ये बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आप नहीं बता पाएंगे कि ये कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट है. सॉरी, अब इसमें सेकेंड क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटर्स हाईलाइटेड इन द अबव केस. अब यहाँ पर ब्रांडिंग का भी पूछ लिया गया है, जो अभी हम आगे देखेंगे, इसी का इसी चैप्टर में है ब्रांडिंग. तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में, एक ही केस में दो क्वेश्चन पूछने हैं. पहले तो आपको क्या करना है, इसकी फिलॉसफी पता करनी है कि कौन सी है फिलॉसफी, एंड सेकंड क्या करना है, ब्रांडिंग के एडवांटेज बताने हैं जो इसमें यूज हुए हैं. तो आपको ब्रांडिंग के सभी एडवांटेज पता होना चाहिए. आप कोई भी दो एडवांटेज जो इसमें यूज हुए हैं उन्हें यहाँ पर लिख सकते हैं. 2017 में, 2019 में MCQ बेस में ये पूछा गया है. तो कॉन्सेप्ट एंड फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इन्हें ज़रूर देख लेना है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग मिक्स. अब मार्केटिंग मिक्स में भी कॉन्सेप्ट हैं और इसके एलिमेंट हैं. अब इससे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो इससे इस तरह से केस बनाकर क्वेश्चन पूछा गया है. और लास्ट में क्या बोला गया है, द अबव पैरा डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल यूज्ड बाय द हायरार्म टू प्रिपेयर इट्स मार्केट ऑफरिंग, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरिएबल. तो देखो यहाँ पर क्या है, मार्केटिंग मिक्स का पूछा गया है. तो ये पूरा पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मार्केटिंग की बात हुई है और फिर मार्केटिंग के वेरिएबल को एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्या है, ये एक आध बार ही क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार इसे देख लेना. ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप चाहे करना तो कर सकते हैं. प्रोडक्ट, देखिए मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपसे बोलूं कि ये सब छोड़ दो, मेरा काम है इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना. अब यदि आपने सब पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप रिवाइज करने बैठते हैं तो सब फिर से नहीं पढ़ सकते, तब आपको उन चीज़ों को ध्यान देना है जो इम्पॉर्टेंट है. तो बस ये वीडियो उसी से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना. मैं ये बिल्कुल नहीं बता रही हूँ कि इससे क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो पेपर वैसे भी नहीं बनाया है तो मुझे पता ही नहीं है. तो आपको पढ़ना सभी है, यदि आप बिल्कुल ब्राइट स्टूडेंट है आपको सब पढ़ना है. लेकिन आप यदि सब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ये टॉपिक तो बिल्कुल भी मत स्किप कीजिए. यदि क्योंकि आप सोचते हैं ना कि इसे छोड़ देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है. ये सब मैं किस बेस पे कह रही हूं, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की स्टडी की है और फिर देखा है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक रिपीट हुए हैं, उन्हीं बेसिस पे ये सब कह रही हूं. देखिए ब्रैकेट में लिखी देती हूं कि कब का क्वेश्चन पूछे गए हैं. अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. तो इसको भी आप पढ़ लेना, ठीक है ना, पढ़ सकते हो आप, अच्छी चीज़ है. कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होता है और इंडस्ट्रियल, इजी है, इसे पढ़ लेना, ठीक है. नेक्स्ट है प्रोडक्ट मिक्स. अब इस प्रोडक्ट मिक्स में जो इसके कंपोनेंट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है, और इनके कंपोनेंट्स में सबसे ज़्यादा यदि कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो वो है वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांडिंग. तो ब्रांडिंग को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्या होती है ब्रांडिंग के फैक्टर क्या होते हैं, इन्हें बहुत अच्छे से समझ लेना है. नेक्स्ट है पैकेजिंग, इसके लेवल इंपॉर्टेंस फंक्शन भी एक बार रीड कर लेना है. और नेक्स्ट है लेबलिंग, इसको भी आप पढ़ लेना, लेकिन यदि स्किप नहीं करना है तो वो ब्रांडिंग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. क्लियर हो गई बात. चलिए अब नेक्स्ट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. देखिए वही चीज़ इसमें बताई है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, केस बना दिया है और फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं. ये पूरा केस है, आप पॉज करके पढ़िएगा. फिर नीचे क्या दिया है, व्हाट डिसीजन शुड बी पुष्पांजलि लिमिटेड टेक सो दैट इट्स कंज्यूमर आर एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द मार्केट, एक्सप्लेन द बेनिफिट दैट मे रिजल्ट ऑफ पुष्पांजलि लिमिटेड एंड द कस्टमर इन द अबव डिसीजन टेकन, ठीक है ना. अब यहाँ पर ये पूरा केस दिया है, ठीक है, और केस देने के बाद ये पूछा गया है कि यहाँ पर प्रोडक्ट की कौन सी कंपोनेंट को यूज़ किया गया है, प्रोडक्ट के कौन से कंपोनेंट को यूज़ किया. तो कंपोनेंट तो तीन होते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे कि ये कौन से किस कंपोनेंट को बता रहा है. तो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है. तो ये जो पूरा है केस, ये ब्रांडिंग का है जिसमें हमें ब्रांडिंग के बारे में लिखना है, ठीक है. क्लियर हो गई बात. चलो नेक्स्ट क्या है, प्राइजिंग, ठीक है, ध्यान से देखो. प्राइजिंग का जो है ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर इफेक्टिंग द प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है. इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसको पढ़ ही लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसे अच्छे से पढ़ लेना है. ये 2013, 2014, 2019 फिर MCQ में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके, ठीक है, तो इसको स्किप नहीं करना है.
इसके बाद नेक्स्ट क्या है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो टॉपिक है ना, ऐसा लगता है कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कहीं छुपा हुआ है। जब हमारी बुक में भी हम पढ़ते हैं तो ये छुपा हुआ टॉपिक रहता है, लेकिन इस छुपे हुए टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आए हैं। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर हैं, ठीक है ना, फैक्टर डिटरमाइन द चॉइस ऑफ चैनल, ठीक है, इससे हर साल क्वेश्चन आए हैं 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 17 में, और आगे भी केस बनाकर इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, ये चॉइस ऑफ चैनल या कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें जो जो चीज़ें आ रही हैं सब पढ़ लो, चैनल ऑफ चॉइस का जो आ रहा है उसे पढ़ लो, बिल्कुल भी इसे स्किप नहीं करना। इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। पिछले सालों में देखो, इससे बहुत क्वेश्चन मैं सारे तो नहीं लिखती हूँ ना, इसलिए मैं ईयर डाल देती हूँ। जैसे हाउ डू यू कंपनी रिलेटेड फैक्टर अफेक्ट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देखो डायरेक्ट पूछ लिया, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे के फैक्टर लिखना, 2015 में आया था। एक्सप्लेन हाउ द प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर अफेक्ट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी 2015 में कंपार्टमेंट में आया था। स्टेट द फैक्टर डिटरमाइन द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 2014 में आया था। तो इसको हमको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसे भी आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। दो तरह के होते हैं ना, एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशन, एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन, बहुत ही ईजी है इसके कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये तो हम डे टू डे लाइफ में वैसे ही हम इसे यूज करते रहते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ईजी हैं। सभी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, अधिकतर प्रीवियस ईयर में सभी टॉपिक में से कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बता सकती मैं कि कौन सा, जैसे इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेंगे कि बताओ एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो, अब एक बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, यू डोंट क्लोज द सेल, यू ओपन द रिलेशनशिप, इफ यू वांट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल एंटरप्राइज, आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन टूल यूज बाय द मार्केटर्स, स्टेट एनी टू फीचर दैट कम्युनिकेशन टूल, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा दे दिया छोटा सा लिख के, अब इसमें बताना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन से कम्युनिकेशन टूल का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर पर्सनल सेलिंग की बात की गई है। यदि आपके इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि एक पर्सनल सेलिंग की, आप एडवर्टाइजमेंट लिख लेंगे, मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद क्या है, देखो ऐसा पैरा बना, पूरा ये बनाकर भी दिया है, केस बनाकर, इसमें भी इसी से बात हुई है। आइडेंटिफाई द प्रमोशनल टूल यूज बाय द सारा टू कम्युनिकेट टू द कस्टमर अबाउट द टिफिन सर्विस, तो ये पूरे केस में हमें बताना है टूल का, ये प्रमोशनल कौन सा प्रमोशनल टूल है, इसकी बात की गई है। तो भैया ये चारों जो हैं, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको पढ़ लेना। मतलब इनके फैक्टर या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स चाहे पढ़ो ना पढ़ो, पर इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको पढ़ लेना है। बिल्कुल इनके कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं करना है कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, पर्सनल सेलिंग क्या होती है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया क्योंकि ये चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।